अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैनल कब कब कौन सी झूठी ख़बर चलाता रहा और इसमें कौन कौन सा एंकर मुलव्विस रहा। झूठी ख़बर किस हवाले से है वो तो आप लोग समझ गए होंगे, जो कि एक अहम इशू इस वक्त आलमी तौर पर पूरी दुनिया को मुतासर कर चुका है हमारे मीडिया ने, जिसमें सोशल मीडिया भी मुलव्विस है। इसके अलावा जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी कि सैटेलाइट मीडिया, जो चैनल्स आपके टीवी में घरों पर आते हैं, केबल पर आते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जियो न्यूज़, समा न्यूज़, दुनिया न्यूज़, इसके अलावा 24 न्यूज़, पब्लिक न्यूज़ वगैरह वगैरह की, इन चैनल्स ने इस मामले से कैसे फ़ायदा उठाया, कैसे हुकूमत पर तनकीद की बिला जवाज, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस किस चैनल ने कौन सी झूठी खबर चलाई और इसमें कौन सा सहाफ़ी मुलव्विस था। जी तो पहली खबर यह है कि पंजाब के 21 अस्पतालों में कोरोना वायरस का सामान गायब। ये खबर जियो न्यूज़ ने चलाई और आसमा शराजी जो है एक एंकर पर्सन है, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है, अगर नहीं जानते तो देख लें। इन साहिबा ने, आसमा शराजी साहिबा ने इस खबर को रीट्वीट किया, यानी कि बिना किसी तहकीक के इस खबर का साथ दिया और एक इजाफा कर दिया कि जनाब ये खबर बिल्कुल ठीक है। चले दूसरी खबर पर जाते हैं। FIA के मुताबिक जफर मिर्जा ने 2 करोड़ मास्क स्मगल किए। FIA जो कि वफाकी तहकीकाती इदारा है, यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो फरा सादिया साहिबा जो कि पब्लिक न्यूज़ की एंकर है, उन्होंने अपने प्रोग्राम में खबर चलाई कि जफर मिर्जा है जो कि इस वक्त मुशीर सेहत है पाकिस्तान के, उन्होंने 2 करोड़ मास्क स्मगल किए। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, पता नहीं 2 करोड़ मास्क बनते भी है कि नहीं बनते। और इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी तनकीद की कि यार 2 करोड़ मास्क कहाँ से बनते, इतनी एक्सपोर्ट हमारी है ही नहीं। वज़ीर आज़म के साथी मास्क से माल बना रहे हैं, ये खबर दी है रऊफ़ कलासरा साहिब। रऊफ़ कलासरा साहिब पहले 92 न्यूज़ पर होते थे, उसके बाद आप न्यूज़ आए, कुछ उनके मामलात ऐसे वैसे बने, आजकल पता नहीं किधर होते हैं। जब इमरान खान हुकूमत में नहीं आए थे तो ये उस वक़्त इमरान खान के बहुत फेवरेट थे और इमरान खान इनका बहुत फेवरेट था, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आए इश्तहार बंद होना शुरू हो गए तो आजकल ये सख्त मुखालिफ हुए इमरान खान के, अपने आप को बड़े इनकलाबी सहाफ़ी समझते हैं। अगर देते तो कोई सच्ची खबर तो देते भाई, ये वही खबर है जो फराह सादिया ने दी, वो आपने भी दे दी। बात करते हैं मशहूर ज़माना सिटी 42 की। इन्होंने पहली खबर चलाई 15 मार्च को कि लाहौर में पहला केस कोरोना का रिपोर्ट हो चुका है, जो कि सरासर झूठी खबर थी। दूसरी खबर, सिटी 42 का ही एक प्रोजेक्ट है 24 न्यूज़, उन्होंने ये खबर 16 मार्च को यानी अगले दिन चलाई। 15 मार्च को झूठ बोला, 16 मार्च को दोबारा बोला, क्योंकि वो झूठ कामयाब नहीं हो सका, सोचा कि इस पे शायद रेटिंग आ जाए, तो 16 मार्च को उन्होंने ये झूठ बोला कि पिशावर में कोरोना का पहला मरीज जाबाहक हो गया है। मतलब कि एक बंदा ही मार दिया लोगों को बस अट्रैक्ट करने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए। तो ये हालात है हमारे मीडिया के। लाहौर न्यूज़ ने अब खबर चलानी थी, सिटी 42 ने इतनी बड़ी खबर चला दी, तो लाहौर न्यूज़ ने सोचा कि हम क्यों ना ये खबर चला दे, पंजाब में जनाब फौज तलब करने की सिफारिश की गई है। यानी कि सिटी 42 ने क्या किया कि जनाब कोरोना का जो पहला मरीज़ है पंजाब में, लाहौर में सामने आ चुका है, इन्होंने उनको क्रॉस करते हुए जनाब डायरेक्ट फौज को ही बीच में डाल दिया। इस सब पर भी अब जब मीडिया का ख़ास तौर पर एंकर्स का दिल नहीं भरा तो उन्होंने सोचा कि कोई बंदा ही मार दे, तो मियो हॉस्पिटल में एक बंदे की मरने की खबर दे दी, जो बाद में पता चला कि वो किडनी का पेशेंट था, हेपेटाइटिस का मरीज था। तो एक साफ़ी है उमर चीमा साहिब, उन्होंने खबर दे दी, यानी कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, इतने सीनियर एनालिस्ट है, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं बिना किसी तहकीक के, बस एक ट्वीट पढ़ा, ट्वीट को रीट्वीट कर दिया और बात ही ख़त्म कर दी। ये खबर सबसे पहले जनाब दी थी एक्सप्रेस न्यूज़, 92 न्यूज़ और इसके अलावा कैपिटल टीवी ने दी थी, यानी कि 3 चैनल्स और एक सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट एनालिस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो कि तहकीकाती सहाफ़ी है, उन चारों ने, इन चारों प्रोडक्ट्स ने मिलकर इस खबर को चलाया। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़ी खबर की, यानी कि फहद हुसैन के नाम से एक जर्नलिस्ट है, बड़े ही सीनियर, बड़े ही समझदार, बड़े ही सीरियस से वो है, मतलब कि ऐसी फजूल जो है लॉजिक्स नहीं पेश करते, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों एक खबर दी डॉन अखबार में, खबर लगा दी अंग्रेजी अखबार में। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहिब है, उन्होंने अपनी मीटिंग में कहा
کہ جو کرونا ہے وہ کاٹتا کیسے ہے۔ حالانکہ اس میٹنگ میں جو جرنلسٹ موجود تھے، انالسٹ موجود تھے، ان لوگوں نے اپنے پروگرام میں بات کر دی۔ عارف نظامی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، 92 نیوز پر انہوں نے بیٹھ کر کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور مزے کی بات، اس خبر کو، اس جعلی خبر کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اس خبر کو عمر چیما اور سلیم صافی جیسے جرنلسٹ نے، انہوں نے بھی اس خبر کو ری ٹویٹ کیا۔ کوئی تصدیق نہیں کی، کوئی پوچھا نہیں، یار فہد کو ایک فون کر لیتے یا اس میٹنگ میں کوئی دوسرا تیسرا بندہ بیٹھا ہوتا اس سے ہی پتہ کر لیتے، لیکن نہیں، بس ٹھیک ہے نا، عثمان بزدار کے خلاف خبر جا رہی ہے، چلا دو یار، کوئی مسئلہ نہیں، کس نے کیا پوچھنا ہے۔ اور واقعی یہ سچ بات ہے، کون پوچھتا ہے ان صحافیوں کو؟ کیونکہ اگر کوئی پوچھے گا، سوال اٹھائے گا، تو آزادی صحافت پر حملہ ہو جائے گا۔ یہ تھی آج تک کی جعلی خبریں، آگے بھی جعلی خبریں جو آتی رہیں گی آپ لوگ مجھے بھی ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر چل رہا ہے، اس نمبر پر مجھے بتائیں کہ یہ جعلی خبر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں بتائیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ تو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ باقی جعلی خبریں جو میری نظر سے گزریں گی میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔